वेलकम 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डस्टर कहाँ गया? वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम एवरीवन। चलिए चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कठे हो ये बड़ी अच्छी राजस्थानी लिखी है गुरु जी। कठे हो, अरे कठे तो बस है ही, कठे मतलब कहाँ हो, है ना। चलिए चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऊपर थोड़ा सा हाथ लगा लें यहाँ पे, ये पीछे जरा मिटो दें ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। एक्चुअली यार बड़ी वो है दिक्कत ना, ये जो बीटेक है ना कोर्स, ये कोर्स ही अपने आप में बड़ा बेकार कोर्स है यार। बेकार से मतलब है कि इसने जीवन की सारी आदतें खराब कर दी है। अब वो कॉलेज टाइम से लेके उसके बाद तक की जो ये रातों को उठने की आदतें पड़ी है ना, मतलब मैं कहूँगा जिस बच्चे को नहीं है रातों को उठने की आदत, आराम से सुबह उठ रहा है, वो बेस्ट है। अब हम तो थोड़े से बच्चे के डिस्टरबेंस की वजह से कोशिश करते हैं कि रात को ही सारा काम हो जाए, क्योंकि उस दिन भर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता है, फिर कभी किसी का डिस्टरबेंस, कभी किसी का, तो इसलिए हम लोगों की मजबूरी है रात को थोड़ा बहुत काम करना। पर वो रात काम करने के चक्कर में इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरी पूरी रात निकल जाती है, फिर सुबह चीज़ें स्टार्ट करने में बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। सही कह रहे, 7:45 कर दो तब जाके 8 बजे शुरू होगा। चलिए खैर जो भी है, स्टार्ट तो यहाँ पे सेशन हो चुका है और यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों को इसलिए लेट हो गया रात को क्योंकि कल पूरी ऑब्जेक्टिव शीट्स कंप्लीट करी है 13 सब्जेक्ट्स की, तो 30 सब्जेक्ट्स की पोर्टल में जितने ही बच्चे हैं सभी को मैं बता दूं, जितने भी पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उन सबको जो ऑब्जेक्टिव शीट्स हैं वो सब प्रोवाइड करी गई हैं उनके ग्रुप्स में। तो जो अभी भी ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं है अपने अपने बैच के, ठीक है, हर ग्रुप, हर बैच का एक ग्रुप बना हुआ है, जो अभी भी ज्वाइन नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान रखे कि टेलीग्राम पे मैसेज करके अपने आप को ज्वाइन करवाए, ठीक है। तो चलिए खैर, और जो नहीं है, जो नहीं भी होना चाह रहा है ग्रुप में या टेलीग्राम नहीं कर रहा है, वो वेबसाइट और वेब पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकता है, फाइल वहां है, ठीक है। बाकी तो इसलिए 2 दिन के अंदर YouTube की भी सारी ऑब्जेक्टिव फाइल निपट चुकी है, पोर्टल की भी सारी ऑब्जेक्टिव शीट्स मैक्सिमम निपट चुकी है, ठीक है, जो बची है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, दैट इज योर हाइड्रोलिक टर्बाइंस, ठीक है। तो टर्बाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पंप पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोलिक टर्बाइंस। तो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोलिक टर्बाइंस और देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में हम लोगों के पास आते हैं। तो आप लोगों के चैट को यहाँ पे ऑन कर देते हैं सो दैट आप आंसर कर पाए। तो खैर बिल्कुल वही मौसम आ चुका है बच्चों, अंदर से बिल्कुल मेहनत करने का टाइम आ चुका है, मेहनत निकल निकल के आ रही है। तो बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, यही वो क्रूशियल टाइम है। जो बच्चा इस टाइम पे पकड़ के मेहनत कर लेगा कि भैया ये 1.5 महीना 2 महीना मेहनत कर लेता हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, काफी बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर आपने यूपीआर के लिए 1.5-2 महीना क्यों कह रहे हो, 1.5-2 महीना क्यों कह रहे हो, पेपर तो अभी 3-4 महीने से पहले नहीं होगा। तो भाई आप रिलैक्स होकर बैठे रहो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 2 महीने के हिसाब से तैयारी करके बैठ भी जाए और हमारे पास 4 महीने हो, बुराई क्या है इसमें, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द पेपर की तैयारी करके बैठे ना, रिविजन कंटिन्यू करना आसान होता है और रिविजन को जितना टाइम मिलेगा उतना बेटर होगा। तो आप इस चीज की टेंशन ले ही क्यों रहे हैं कि
अगर दो महीने से भी ऊपर चले गया तो आपको नुकसान, आपको नुकसान क्यों होगा? 2 महीने की आप तैयारी करके बैठे हैं, और अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट ही होना है, आपको नुकसान थोड़ी ना होना है। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ पूरी प्रॉपर शिद्दत से 2 महीने तक की तैयारी करें, ठीक है, और उसके बाद जो है आराम से मजे लें, ठीक है। जितना टाइम मिलेगा उतना बेटर चीजें निकल के आएंगी। अभी जो है ऑब्जेक्टिव शीट छोड़ी है, जो ऑब्जेक्टिव शीट्स मैक्सिमम मैंने निपटाई है पोर्टल में, अब मैं प्रॉपर एक न्यूमेरिकल शीट्स का कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ। मतलब वैसे तो मैंने कई बार करवा दिया अलग अलग सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल सीरीज भी, लेकिन अब एक प्रॉपर एक फाइल्स तैयार कर रहा हूँ जैसे हर सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल सीरीज एक साथ रहे, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट होगी, इसलिए फोकस इस चीज़ से हटा के कि पेपर को अभी तो समय लगेगा। अभी कई बच्चे हैं ना मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर UPRVL का बैच लेना था। मैंने कहा बेटा लेट हो गया, फटाफट लो और तैयारी शुरू करो। नहीं सर अभी तो है 5-6 महीने। तो फिर आप उसी हिसाब से रिलैक्स होकर चलते रहो, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पहले से कर रहा है तैयारी, ठीक है ना। तो चलिए चलिए चलिए, तो हम तो अभी 1.5 महीने ही मान के चल रहे हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यार RBUNL में गाइड में प्रॉपर क्या करूँ? चीज़ें तो देखो सब यही हैं, है ना, आपको टेक्निकल के लिए तो सब यही करना है, कोई स्पेशल नहीं है कि अब RBUNL के लिए हम लोगों को कुछ अलग से गाइड करना है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। नहीं RBUNL में डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, जो जेई वाला निकला था उसमें बीटेक अप्लाई कर सकते थे, ये अलग ही फंडा था उनका कुछ। तो चलिए बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आसानी से देखिए यहाँ पे, चलो 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 फटाफट देखो, द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय। अच्छा एक कल बच्चा एक कंप्लेंट और कर रहा था, थोड़ा बच्चे की बातें भी कर लें, क्योंकि जो एक बोलता है वो कई बोलते हैं तो उनको भी साथ साथ आंसर मिल जाता है कि सर आप सीधा क्वेश्चन पढ़ें और उसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो बताएं। आप ये चर्चा ही ना करें कि कौन सा सही हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी। यार अगर ऐसे ही एकदम से पॉइंट वाइज आंसर मुझे बताना हो तो फिर हमारा 1 घंटे का सेशन लेके फायदा ही क्या है? फिर तो मैं क्वेश्चन बोलूँ और आंसर की बोल दूँ। तो डिस्कशन कर सकते हैं, उस डिस्कशन से मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक डिस्कशन से समझ आती है 2-3 इधर उधर की चीज़ें और भी, और दूसरी चीज ये होती है कि डिस्कशन से ही मेमोरी में रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये था या डिस्कस हमने किया था, समझ रहे ना। तो ये तो बिल्कुल अजीब सी डिमांड बच्चे ने की। चलिए खैर चलिए, द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द जेट एट एंट्रेंस टू टर्बाइन इज नोन एज। तो यहां पर कह रहा है द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर, पावर जितनी रनर ने डेवलप की है टू द पावर सप्लाइड बाय द जेट एट एंट्रेंस ऑफ टर्बाइन। अब देखिए रनर जितना पावर डेवलप कर रहा है मतलब रनर पावर है, और एंट्रेंस में जितनी पावर हमें मिल रही है वो हमारी हाइड्रोलिक पावर हो गई। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये किसका रेशियो है, तो रनर पावर टू हार्ड वाटर पावर, तो रनर पावर और हार्ड वाटर पावर का हमारा रेशियो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, है ना। आउटपुट रनर पावर है और इनपुट जो है वो वाटर पावर, दैट इज योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है रोशन वर्मा जी, अगर आप स्टडी मटेरियल के थ्रू जाएंगे चीजों को देखने, क्योंकि याद रखिए किसी भी बच्चे को पोर्टल में अगर स्टडी मटेरियल अपने कोर्स का देखना है तो वो अपने कोर्स में ही स्टडी मटेरियल में क्लिक करे, बाहर से स्टडी मटेरियल में जाएगा तो वो अलग लिंक है, ठीक है ना, उससे मत जाओ, तो वहां पे आपको बाय नाउ ही दिखाएगा, ठीक है। आप अपने कोर्स के अंदर देखो, वहां आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया बच्चों ए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील रेंजेस फ्रॉम, पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड कितनी रेंज करती है, तो हम सबको पता है बच्चों पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, हाई स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, समझ आ रही बात। तो हाई स्पेसिफिक स्पीड है पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड, तो स्पेसिफिक स्पीड अगर हम बोलें हाई, तो हाई मतलब कितनी, 12 से 70, 80 से 400, 300 से 1000 या 1000 से 1200। तो याद रखिए मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड हमारी 1000 तक ही होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड दो कंडीशन हो गई, एक पेल्टन व्हील के लिए स्पेसिफिक स्पीड जो है वो क्या होती है हमारी भाई, हाई स्पेसिफिक स्पीड या लो स्पेसिफिक स्पीड, ये समझना होगा। याद रखिए जिसका हेड हाई होगा
उसकी मैंने हाई बोल दिया क्या गलती से, चलो छोड़ो दोबारा से सुनो, जिसका स्पेसिफिक जिसका हेड हाई होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड लो होगी, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ns इज इक्वल्स टू n रूट पी एच की पावर 5/4। तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिए कि जिसका आपका क्या, जिसका हेड है, जिसमें हेड हाई यूज होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड हमेशा कम होगी। तो पेल्टन टर्बाइन की अगर हम बात करते हैं तो पेल्टन टर्बाइन में हेड जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिए उसकी स्पेसिफिक स्पीड भी जो है वो सबसे कम होगी, समझ आ रही बात। तो हेड सबसे हाई तो स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम, तो फिर पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी, दैट इज कॉल्ड 12 to 70, समझ आ रही बात, 12 to 70, क्लियर है। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू श्यामू जी, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, समझ गया ना। इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम पावर आउटपुट, क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ पेल्टन टर्बाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी, ठीक है। बकेट किसे बोलते हैं, जो पेल्टन टर्बाइन का ब्लेड होता है उसे बकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ पेल्टन टर्बाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द जेट स्पीड, इक्वल टू हाफ द जेट स्पीड, इक्वल टू ट्वाइस द जेट स्पीड, नन ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम पावर का डेरिवेशन हम लोग करते हैं बच्चों, जहां पे हमें पता है कि हमारी अगर बकेट स्पीड यू है ना, अगर हमारी बकेट स्पीड यू है, अगर हमारी बकेट स्पीड जो है वो यू है और जेड स्पीड जो है हमारी वी है, तो वी नो दैट कि बकेट स्पीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द जेड स्पीड, यू इज इक्वल टू वी बाय टू फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। तो यहां पे साफ बोले हम, इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम पावर द पेल्टन टर्बाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी इक्वल टू हाफ द जेड स्पीड, हाफ द जेड स्पीड, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बुजुर्ग क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, क्या नाम दिया है आपने, बुजुर्ग भी नहीं है ये, तो वो है जिनका हो चुका है काम। द वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो इन केस ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम, स्पीड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो वी नो दैट बच्चों स्पीड रेशियो हमारा क्या हुआ, दैट इज द रेशियो ऑफ जेट स्पीड टू रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू जेट स्पीड, है ना, यू अपॉन अंडर रूट 2gh। तो u अपॉन अंडर रूट 2gh हम लोग जब करते हैं तो दैट इज v, तो इसको हम स्पीड रेशियो बोलते हैं। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है फ्रांसिस टर्बाइन के लिए ये रेंज जो है वो क्या होगी, ये पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। देखिए हार्डलिंग मशीन में ज्यादा अगर क्वेश्चन वही आते हैं बच्चों, जो बच्चे बच्चे को पता होते हैं, जो पड़ोस में होने वाले तो नहीं, हो चुके बच्चे को भी पता होते हैं वो क्वेश्चन, तो दैट इज अ वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन रहता है अच्छा रहता है, इसमें पिछली बार एसएससी में भी अभी कंफ्यूजन रहा था बच्चों को, और गलत आंसर टिक करके आए थे, तो याद रखिए, पता नहीं क्यों टिक करके आए थे गलत आंसर। लेकिन दैट इज इजी कि अगर फ्रांसिस टर्बाइन के लिए रेंज पूछता है, दैट इज 0.6 to 0.9, ठीक है। सर रिविजन के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा, यार बेस्ट बुक का सीन कुछ है ही नहीं यार, जो बुक आपको आती है वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं ना, कभी भी यार कुछ भी आप किसी भी सिलेक्शन वाले को उठा लो, जिसका सिलेक्शन हुआ हो, उनमें से एक भी ऐसा, मैं तो देख रहा हूं ना इतने कितने ये 400-500 बच्चे हैं, इनमें से अगर मैं सिलेक्शन का पूछूं किसी से भी, तो कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसने 10-10 किताबें सॉल्व कर रखी थी। मैं आपको रियली बता रहा हूं ये बात, किसी भी बच्चे ने 10-10 किताबें सॉल्व नहीं कर रखी थी बच्चों। जब हम लोग तैयारी नहीं कर, ये मैं बता रहा हूं बार बार, इस मिथ को दिमाग से हटा दो कि कोई बेस्ट बुक आपको मिलेगी उसको आप करोगे और वहां से काम हो जाएगा। नथिंग इज बेस्ट एंड नथिंग इज वर्स्ट, समझ रहे ना। आप कोई भी बुक उठाएं, आप RS खुरमी उठाएं, देखो उस दिन अनिल से मैंने बात करवाई थी, उसका कहना भी यही था,
ऐसा तो नहीं है कि उसका पेपर 2012-13 में निकला, अभी 2 साल पहले ही तो पेपर है और सारे पेपर निकाले हैं उसने, जो पेपर दिया था उसने उसके बाद सब पेपर निकाले थे। और उसके अलावा और भी बच्चे हैं बच्चों, बहुत सारे, मैं तो कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं, जो चाहते हैं कि अपनी गाइडेंस को आप लोगों के साथ शेयर करना, वो खुद ही मुझे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मुझे बच्चों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता। तो मैं खुद बड़ा झेपता हूँ उन्हें बार बार वो करने में कि चलो तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ, बट आए उनको साथ हम लोग सेशन करेंगे। तो आर एस खुरमी हो, चाहे आर के जैन हो, चाहे आपका और कौन कौन सी यूज करते हो आप, चाहे आपको यूथ की यूज कर रहे हो, यूथ को तो मैं कहूंगा तो प्रीवियस पेपर के लिए ही यूज की जाती है, बस जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करने उसके हिसाब से यूज की जाती है, चाहे वो आपकी और कौन सी बुक्स हैं जो आप यूज करते हो, चाहे आर के बंसल यूज कर रहे हो, आर के बंसल मैंने अभी मंगाई है, मैंने देखी नहीं है कैसी है, चाहे आर के राजपूत यूज कर रहे हो, ठीक है, आप इनमें से कोई भी बुक यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस पेपर, तो कई बच्चे आईएएस के पेपर बहुत सॉल्व करते हैं बच्चे, मैंने देखा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझसे क्वेश्चन आईएएस के ही पूछते हैं, आईएएस ऑब्जेक्टिव्स बहुत करते हैं बच्चे, एसएससी प्रीवियस पेपर बहुत करते हैं बच्चे, है ना। तो ये ठीक है, ये प्रीवियस पेपर तो अपनी जगह सही है, ये तो करना ही चाहिए कोई भी एक, है ना। इसमें 3 कैटेगरी होती है, या तो आप आईएएस ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो, या आप एसएससी प्रीवियस पेपर निपटा चुके हो, या फिर आप जो है वो स्टेट लेवल के कोई भी पेपर्स कर रहे हो, स्टेट लेवल वाले, जैसे यूथ में भी आती है स्टेट लेवल की कोई बुक, तो वो आप सॉल्व कर रहे हो। बट इनमें से कोई भी बुक आप सॉल्व कर दो बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हो, आप कोई भी उठा लो जो आप निपटा सकते हो, मैं वही आपको बता रहा हूं, आप इनमें से कोई भी ऐसी बुक उठा लो जो आप खत्म कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे तो यकीन नहीं आता जब बच्चा मुझे फोन करके बोलता है कि सर वो मैंने खुरमी जैन तो मैंने 4 बार निपटा दिया। अगर बेटा 4 बार ये निपट चुकी है ना, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने की, या इधर उधर से क्वेश्चन भागने की, या हर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की जिंदगी से बाहर आओ और कोई एक बुक ढंग से निपटाओ, बस एक बुक, उससे मैटर नहीं करता वो बुक कौन सी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बुक ना करने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कि आपने बुक कम करी है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गारंटी ले लो आप मेरी, ठीक है ना, समझ आ रही बात। और आईएएस यूएस के क्वेश्चन भी जो है वो हर कोई बुक मत उठाओ यार, स्टैंडर्ड बुक उठाओ कोई, ठीक है। आईएएस यूएस के ऑब्जेक्टिव्स बुक भी है जो स्टैंडर्ड बुक उठाओ, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे किसी का, लेकिन कई बच्चे आईएएस के ऐसे बुक्स उठा रहे हैं किसी कोचिंग्स की, जिसके आंसर्स गलत दिए हैं, तो और वो मुझसे फिर लड़ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो कंसेप्ट उल्टा लिख पढ़ाया आपने। तो बेटा ये ऐसी गलती मत करो, उठाओ तो स्टैंडर्ड उठाओ, ठीक है ना, ठीक है। तो आईएएस ऑब्जेक्टिव उठाने हैं तो ऐसे उठाओ जिनके पास थोड़ी सी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हो आईएएस ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन करने की, उन आईएएस ऑब्जेक्टिव को उठाओ, ठीक है। एसएससी प्रीवियस पेपर जो है हमारे, वो एसएससी प्रीवियस पेपर भी वो ऐसी ऐसे पब्लिकेशंस के मत उठाओ एसएससी प्रीवियस पेपर जो नॉन टेक के कंटेंट निकालती हो, ठीक है। अब वही है ना समस्या कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किसी का भी तारीफ और किसी का भी बुराई कर नहीं सकते, यहाँ पे अच्छा नहीं रहता, लेकिन इतना थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैसेजेस तो मैं सबको बता ही देता हूँ मैसेजेस में, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, और बाकी सिर्फ रिवीजन है, रिवीजन जितने मैंने शॉर्ट रिवीजन लिए उनको निपटाओ, जितने रिवीजन लिए उनको नंबर ऑफ टाइम निपटाओ। इन चक्रों में मत पड़ो कि मैंने एक ही निपटा दिया, मेरा सिलेक्शन तभी आएगा जब मैं जैन भी निपटा दूंगा, मेरा सिलेक्शन तभी आएगा जब मैं क्या राजपूत निपटा दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं, आप अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कभी किताबों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, एक किताब कर लोगे ढंग से उससे भी आपका सिलेक्शन कंफर्म आएगा, हम बस इसी गलतियों में उलझे हुए हैं और 90% बच्चे उलझे हुए हैं भाई इसी में, और फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर ली, और ऑब्वियस बात है मेहनत तो कर ही ली है तो सिलेक्शन नहीं आ रहा है, क्यों आएगा, क्योंकि आपने कंफ्यूजन बढ़ा दिए हैं, समझ आ रही बात, ठीक है। एक किताब निपटाओ, अच्छे से रिविजन करो, एग्जाम का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। मानो 2 क्वेश्चन ऐसे आ भी गए यार जो आपकी बुक में नहीं थे, तो क्या अलग हो जाएगा, उस 2 क्वेश्चन के लिए पूरी नई किताब करोगे क्या, एक किताब करो और बाकी प्रीवियस पेपर्स करो, बस नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैप्लन टर्बाइन इज अ, कैप्लन टर्बाइन किस तरह का, देखो मनीष और खुश सब निपटा दूंगा कि यही मैं कह रहा हूं ना, ये जो गलत तरीके का जोश है वो गड़बड़ है। जितने भी मैंने रिवीजन सेशन लिए ना बच्चों,
शॉर्ट रिवीजन सेशन, शॉर्ट तो कहने का मतलब दो ढाई घंटे में जो पूरा पूरा सब्जेक्ट मैंने निपटाया है, चार घंटे या पांच घंटे में, उस रिवीजन पोर्टल में या इसमें, पोर्टल में मैंने 10 सब्जेक्ट के लिए हैं और यहाँ यूट्यूब में मैंने 2-3 सब्जेक्ट के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उस रिवीजन सेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं तो उतना कंटेंट जितना मैंने रिविजन सेशन में लिया उतना कंटेंट आपको एनी टाइम मुंह जुबानी याद होना चाहिए, समझ रहे ना। तब जाके आप ये माने कि आप बेसिक क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देंगे आराम से, जो कि पूरे पेपर को 70-80% कवर करते हैं। बस ये मेन कहानी होती है, समझ आ रही बात, वही आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। तो यहां पे क्या है, कैप्लन टर्बाइन किस तरह का टर्बाइन है, तो वी नो दैट कैप्लन टर्बाइन एक एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सरासर गलत है, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, कि रिएक्शन टर्बाइन जो है वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए, सही बात है, झूठ तो कतई नहीं है। द एंगल ऑफ अ टेपर ऑन अ ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन 8 डिग्री, ये भी सही बात है कि ड्राफ्ट ट्यूब का जो एंगल होता है टेपर एंगल वो 8 डिग्री से कम होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है। एन इंपल्स टर्बाइन इज जनरली फिटेड स्लाइटली अबव द टेल रेस्ट, कि इंपल्स टर्बाइन को जो है वो टेल रेस्ट से थोड़ा सा ऊपर फिट किया जाता है, वो तो इंपल्स टर्बाइन बच्चे एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही लगाया जाता है तो ऊपर ही रहता है, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इंपल्स, तो बच्चों जो सरासर गलत है, सरासर मैंने सही नाम दिया वो है डी, अब फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इंपल्स टर्बाइन तो ये गलत है, फ्रांसिस टर्बाइन क्या है वो एक रिएक्शन टर्बाइन है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। रनअवे स्पीड ऑफ अ हाइड्रल टर्बाइन इज, पिछले कुछ समय में ये रनअवे स्पीड पेपर में कई बार पूछा गया है, रनअवे स्पीड क्या होती है, तो रनअवे हमने बताया था बच्चों, रनअवे जो भागी जाए, और जो रन अवे हो जाए मतलब भागी जाए वो कौन होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, भाई जिसके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा वो भागी जाएगा, है ना, तो दैट इज रन अवे स्पीड। तो साफ आंसर आप देख सकते हो, नो लोड विदाउट लोड कहां है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्पीड इफ द टर्बाइन रनर इज अलाउड टू रिवॉल्व फ्रीली विदाउट लोड एंड विद द विकेट गेट्स वाइड ओपन, ठीक है, कि आपने गेट सारे ओपन करे हुए हैं, लोड हटा दिया है और टर्बाइन को फ्रीली मूव करने दे रहे हैं, रोटेट करने, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड रन अवे स्पीड, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ रिएक्शन टर्बाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज, रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड, काहे यूज की जाती है, टू टर्न द टर्बाइन फुल, टर्बाइन को फुल चलाने के लिए, टू प्रिवेंट एयर टू द एंटर द टर्बाइन, ठीक है, टर्बाइन में एयर को एंटर करने से रोकने के लिए, टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू डाउनस्ट्रीम, वाटर को डाउनस्ट्रीम में बाहर निकालने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन बड़े अच्छे हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब का हमारा पर्पस क्या है आपका रिएक्शन टर्बाइन में। तो यहां पे देखिए, रिएक्शन टर्बाइन में हमारे ड्राफ्ट ट्यूब के पर्पस क्या होते हैं, तो मेन पर्पस क्या होता है कि भाई आप जो है ड्राफ्ट ट्यूब को, में ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू आप टर्बाइन को जो है वो टेल रेस से ऊपर लगा सकते हो, मतलब वाटर के लेवल से ऊपर लगा सकते हो विदाउट डिक्रीजिंग दी हेड, आप बिना हेड को डिक्रीज करें, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि ये टेल रेस लेवल होता है, टेल रेस लेवल में अगर हम सबसे बढ़िया रहता है कि टर्बाइन को अंदर लगाएं पानी के, उससे क्या होता है हमें हेड ज्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन उससे पानी के अंदर चलाने में जरा टर्बाइन को दिक्कत है, दिक्कत मतलब मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में टर्बाइन को बाहर लगाते हैं लेकिन आउटलेट उसका अंदर देते हैं, तो उसके थ्रू हम यूज करते हैं बीच में ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब से एक तो टर्बाइन हमारा जो है वो बाहर लगता है टेल रेस से विदाउट अफेक्टिंग दी टोटल हेड, तो हेड आपको जो है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है, हेड में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो जाती जाती रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये दो बेनिफिट हमें मिलते हैं, तो उसमें से एक बेनिफिट यहां दिया है टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। विनोद आपने डी क्यों पुट किया बेटा, पानी को बाहर निकालने के लिए सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब थोड़ी ना लगाए हैं, उससे तो फिर कोई भी पाइप लगा देंगे हम, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद इंपल्स टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन या एक्सियल टर्बाइन, तो सीधा सीधा आंसर है बच्चों, ब्रॉड कैटेगरी विल बी द रिएक्शन टर्बाइन, सभी रिएक्शन टर्बाइन में जो प्रेशर एनर्जी बेस्ड होते हैं
उनमें हमें ड्राफ्ट ट्यूब की नीड होती है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। आईएएस पेपर जरूरी है क्या? विकास कुमार जी कह रहे हैं कि सर आईएएस पेपर जरूरी है क्या? कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आईएएस पेपर में कहूंगा इंपॉर्टेंट्स रहते हैं, आईएएस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पुराने आ जाते हैं, फिर क्या है ना क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत मिल जाता है। आईएएस के प्रीवियस पेपर करो, एक एक पेपर में 100-100 क्वेश्चन है, ऐसे ही पिछले दस साल के पेपर उठाओगे तो 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत मिल जाता है आईएएस में, क्योंकि रिपीटेड नहीं होते हैं, आंसर की जो है वो सही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम सही रहता है, यूपीएससी बनाता है तो जिसकी वजह से क्या है कि अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं आईएएस के पेपर को सॉल्व करना। उन्हें लगता है कि जैसे परसों बच्चा एक लड़ भी रहा था मुझसे कि सर आईएएस का क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकता आंसर की। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन आईएएस का है, आंसर तो किसी कोचिंग वाले ने दिया है, तो जिसका आप आंसर बता रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को पसंद आता है। बट अगर आप आईएएस में आईएएस से मैं कहूंगा आईएएस से इंपॉर्टेंट है कि आप किसी स्टेट लेवल की बुक को पहले कर लें, या फिर आप जो है पीएसयू की बुक को पहले कर लें, या फिर आप एसएससी के प्रीवियस पेपर पहले निपटा लें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जरूरी नहीं है कि आईएएस के प्रीवियस पेपर ही करोगे आप तभी कुछ आपका भला होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप बीटेक लेवल का कोई पीएसयू एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे इसरो वगैरह को, तो मैं कहूंगा आईएएस के प्रीवियस पेपर हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब यहां पे पूछ रहा बच्चों आपको यूनिट पावर इज द पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन। यूनिट पावर क्या है बच्चों, ठीक है, तो आप सबको पता है यूनिट पावर क्या है, दैट इज द हेड ऑन टर्बाइन इज यूनिटी एंड डिस्चार्ज इज आल्सो यूनिटी। हेड इज इक्वल टू 1 मीटर एंड स्पीड इज यूनिटी, हेड ऑन द टर्बाइन इज यूनिटी। तो यहां पे आपको सिंपली ध्यान रखना है कि अगर हम बोल रहे हैं यूनिट पावर, तो जैसे यूनिट स्पीड होता है, यूनिट डिस्चार्ज होता है, ऐसे यूनिट पावर भी होता है। तो यूनिट पावर हमारा क्या होता है, दैट इज पी यू इज इक्वल टू पी क्यू आर एच की पावर 5/4 3/2। तो पी यू इज इक्वल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय अंडर रूट एच, मतलब यहाँ पे एच की पावर आ जाएगा। तो एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो एच जब हमारा 1 मीटर होता है तो पी यू इज इक्वल टू पावर के बराबर होता है। मतलब यूनिट पावर वो पावर होगी जो हेड 1 मीटर होगा, ठीक है ना। सेम ऐसे स्पेसिफिक स्पीड भी होता है, एन यू इज इक्वल टू एन बाय अंडर रूट एच, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय अंडर रूट। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है कि फॉर 1 मीटर ऑफ हेड द पावर इज कॉल्ड यूनिट पावर। तो दैट इज कॉल्ड यहां पे हम आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज हेड ऑन टर्बाइन इज यूनिटी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी को रखेंगे यहां पे करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, पावर 3/4 लोगे तो एच इज इक्वल 1 की पावर 3/4 1 ही तो होना है, ठीक है ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ अ बकेट, ठीक है, जो पेलेटन टर्बाइन है उसकी बकेट की डेप्थ, जो मतलब गहराई है, जैसे आपका बकेट होता है पेलेटन टर्बाइन का कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा बकेट होता है बच्चों आपका पेलेटन टर्बाइन का कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा बकेट होता है आपका पेलेटन टर्बाइन का। तो ऐसी बकेट जो होती है पेलेटन टर्बाइन की, ये बीच में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटर, जो पानी को दो हिस्सों में, जेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एंड दिस इज कॉल्ड बकेट। तो दिस इज द डेप्थ, दिस इज द डेप्थ ऑफ बकेट, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ बकेट जो है आपका पेलेटन टर्बाइन का ऑफ द टू द डाया ऑफ द जेट, तो जेट जो आ रहा है सामने से, जो जेट आएगा सामने जो स्ट्राइक करेगा ऐसे 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 करके, स्ट्राइक करके यूं निकलेगा बाहर को, तो जो जेट का डाया ऑफ द जेट रहेगा, जो डाया ऑफ द नोजल पे डिपेंड करेगा ऑब्वियस बात है, तो वो ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होता है। तो डेप्थ टू द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ अ बकेट टू डाया ऑफ द जेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वो किस ऑर्डर का रहता है। तो दैट विल बी, याद रखिए, डेप्थ ऑफ बकेट, अगर मैं इसको डेप्थ ऑफ बकेट बोलूं तो इज 1.2 टाइम्स द डाया ऑफ द जेट, इसके जेट के 1.2 टाइम्स इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। एनपीसीएल डिप्लोमा लेवल प्ले आईएएस के ऑब्जेक्टिव, सिर्फ आईएएस के ऑब्जेक्टिव ही नहीं बच्चों, दूसरे पेपर जो है वो भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएस के ऑब्जेक्टिव मैंने बोला ना, आईएएस के जो बहुत प्रीवियस पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है।
ऐसा नहीं है कि आईएएस के ऑब्जेक्टिव भर भर के आ रहे हैं, आईएएस के ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ कलेक्शन वो अच्छा लगता है, क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं इसलिए बच्चे पसंद करते हैं। आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स और गेट के ऑब्जेक्टिव्स, खासकर वन मार्क वाले गेट के, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं पीएसयूज में पेपर, पीएसयूज के पेपर में आने के लिए, लेकिन वो जो बीटेक लेवल पे होता है। ठीक है, आप ये हमेशा ना भूलें कि आप डिप्लोमा लेवल का पेपर दे रहे हैं। मतलब देखो ना कितना घटिया सिस्टम हमारे पेपर का, हमारे यहाँ बीटेक और डिप्लोमा लेवल के पेपर में कोई फर्क नहीं है, मतलब हम एक जैसी तैयारी कर रहे हैं। आज देखो ना मुझे बच्चों का नहीं पता कि कौन बीटेक वाला बच्चा है कौन डिप्लोमा वाला, एक जैसी तैयारी चल रही है दोनों की, कोई फर्क नहीं है। क्या पेपर का सिस्टम बना दिया, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर हमारे लिए सबके पेपर एक बराबर ही हो रखे हैं। चलिए खैर सिस्टम की खामियों को क्या गिने, लेकिन बहुत ही घटिया काम चल रहा है ये। चलो जो भी है, डिप्लोमा लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है वो आईएएस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सारे नहीं। जैसे यहां तो मैं कहूंगा ऑल आईएएस ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटेक लेवल एग्जाम्स, ऑल गेट वन मार्क्स वाले लगभग सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं तो आईएएस ऑब्जेक्टिव्स नॉट ऑल, फ्यू, कुछ ही हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम अपने सेशंस में इंक्लूड करते हैं या टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं, बस वो कुछ ही। ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल इस टाइप की चीजें, ये नहीं है कि सारे सारे आईएएस ऑब्जेक्टिव्स आपको आएंगे तभी आपका डिप्लोमा लेवल का पेपर निकलेगा, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने बोला ना एसएससी हो गया, स्टेट लेवल हो गया, इनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जो डिप्लोमा लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। तो डिप्लोमा लेवल वालों को बड़ा स्ट्रेट सोचना चाहिए कि कोई भी एक बुक वो निपटाए, कोई भी एक बुक, और पैरेलल में जो है कोई भी प्रीवियस पेपर के सेट लगाने शुरू कर दे, बस। इसके अलावा उसे कुछ तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए खैर, चलो तो यहां पे आंसर है बी 1.2। आज इधर उधर की बातें बीच बीच में बहुत हो रही हैं, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपेलर टर्बाइन, में से कौन से, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ईजी है बच्चों, जहां तक मुझे लगता है बहुत बार सेशन में लिए हैं क्वेश्चन, तो कोई समस्या किसी को आंसर करने में आएगी नहीं, इसलिए मैं ले ले रहा हूं। ठीक है, हार्डली मशीन का एक न्यूमेरिकल सेशन भी करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोपेलर टर्बाइन, कैपलन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, थॉम्पसन टर्बाइन, बताओ प्रोपेलर टर्बाइन किसे बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं कैपलन को। ठीक है, कैपलन को, क्या इसमें बीटेक वालों को फायदा ज्यादा उठाता, अच्छा फायदा ज्यादा उठाते हैं, क्या उठाएंगे यार बीटेक वालों को, बेचारों की पहली दुर्गति लगी है, वो क्या फायदा उठाएंगे, एक तो उन्होंने फीस आपसे 4 गुना ज्यादा दे रखी है, ऊपर से मिल कुछ भी नहीं रहा है। छोड़ो यार, फ्रस्ट्रेशन मत बढ़ाओ मेरी, विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, बस तैयारी पे ध्यान दो, आंख बंद करके तैयारी, बाकी जो दूसरा काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल जो है कुछ काम निपटाने के चक्कर में, एक तो बच्चे बड़ा प्रेशर डालते हैं ना कि सर ये भी निपटा दो, वो भी निपटा दो, वो भी निपटा दो, आराम आराम से पढ़ने में बिलीव कम रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो उस वजह से मैं पहले निपटा दे रहा हूँ ताकि कोई कुछ बोले ना। ठीक है, विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोपेलर टर्बाइन, कैपलन टर्बाइन, तो वी नो दैट दैट इज अ कैपलन टर्बाइन, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे में लेके आया था, तो उन पे जरा काम करना बहुत जरूरी है। सर पीडीएफ नहीं डाला जा रहा है, शायद पीडीएफ नहीं डाला जा रहा, मतलब कुछ डिस्कशन ज्यादा हो रहा है आज ना। चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच एम्पिरिकल रिलेशन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ जेट, तो बच्चों ये रिलेशन बहुत बार हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ जेट जो हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ जेट ऑन द रनर ऑफ द पेल्टन व्हील टर्बाइन, कि नंबर ऑफ जेट जो है, नंबर ऑफ जेट्स, नंबर ऑफ बकेट्स, सॉरी, हाँ देखो दो चीज होती है, एक है नंबर ऑफ बकेट्स, कि पेल्टन टर्बाइन में ये निकालना कि नंबर ऑफ बकेट्स आपकी कितनी होंगी, जिसको हम जेट बोलते हैं, और एक होता है कि नंबर ऑफ जेट, क्योंकि आपको पता है मल्टी जेट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जेट्स निकालना कि कितने नंबर ऑफ जेट हमारे जो हैं वो हमें
चाहिए। तो नंबर ऑफ बकेट्स का सिंपल सिस्टम है दैट इज जेड। तो याद रखिए सिंपल कि कोई भी टर्बाइन हमारा होता है उसमें मिनिमम हम 15 जेड तो यूज करते, 15 बकेट्स तो यूज करते ही हैं। तो 15 बकेट्स प्लस साथ में हम क्या करते हैं, दैट इज योर जो आपका जेट रेशियो कहलाता है, ठीक है, जेट रेशियो कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी बाई डी बोलते हैं, है ना, मतलब डाया ऑफ दी आपका जेट और डाया ऑफ दी व्हील, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के हिसाब से जिसको लिखते हैं। तो दैट विल बी उन दोनों के रेशियो के रिलेशन से हम लोग निकालते हैं, दैट इज डी बाय 15.5 बोलो या हाफ बोलो, डी बाय 2d ऐसा लिखते हो आप, है ना, डी बाय 2d लिखते हो। तो डी बाय 2d मतलब क्या होता है, डाया ऑफ व्हील टू डाया ऑफ जेट, ठीक है, दैट इज द डाया ऑफ व्हील टू डाया ऑफ जेट। तो ये तो हो गया हमारा बकेट निकालने का तरीका कि 15 प्लस 0.5 ऑफ डी बाई डी, इसको हम अपने आप में जेट रेशियो बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपने आप में जेट रेशियो डी बाई डी। तो यहाँ पे कई बार एम भी लिखा आता है, एम इज इक्वल टू डी बाई डी। अब नंबर ऑफ जेट निकालना हो तो अब हम बता रहे हुए कितने जेट आपके यहाँ पे लग रहे हैं मल्टी जेट में, उसको कैसे निकालना हो? तो याद रखिए नंबर ऑफ जेट से मतलब होता है कि टोटल डिस्चार्ज आपको कितना करवाना है टर्बाइन पे। तो मान लीजिए हमें क्यू डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है, हमें क्यू डिस्चार्ज करवाना है। अब आप बताइए कि एक जेट से डिस्चार्ज कितना हो रहा है, मान लो आपको डिस्चार्ज कराना है 100 और आपका एक जेट से डिस्चार्ज हो रहा है आपका 10, तो टोटल कितने चाहिए आपको, 10 ही तो चाहिए ना, तो 10 जेट चाहिए नंबर ऑफ जेट, सीधा सा फंडा है। तो इसका मतलब कि स्मॉल क्यू दैट इज द डिस्चार्ज बाय 1 जेट। तो याद रखिए डिस्चार्ज थ्रू 1 जेट और यहां पे आएगा टोटल डिस्चार्ज। तो एक टरबाइन को चलाने के लिए आपको टोटल डिस्चार्ज कितना चाहिए और एक जेट से कितना डिस्चार्ज, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ जेट आपका निकल के यहां पे आता है। तो इस तरह से निकालते हैं नंबर ऑफ बकेट और इस तरह से निकालते हैं नंबर ऑफ जेट। क्लियर है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जेट्स पे न्यूमेरिकल आए हैं, नंबर ऑफ बकेट पे भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ जेट पूछा कभी जाता है तो फिर ऐसे निकाल देते हैं। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है दैट इज, तो आंसर रहेगा हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है टर्बाइन की, एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी की पावर एच पी और 5/4। तो मतलब किस पे डिपेंड करती है, दैट इज पावर और हेड पे। तो स्पीड पावर एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एंड पावर, स्पीड एंड हेड, स्पीड पावर एंड हेड, तो ऑब्वियस ही बात है एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी एच की पावर 5/4, स्पीड पावर एंड हेड। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बाइन इज गिवन बाय, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ अ टर्बाइन इज गिवन बाय, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अभी तो हमने बताया था बच्चों स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन, तो अब बस ये ढूंढो कि पहला क्वेश्चन वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे। पावर एट द शाफ्ट ऑफ टर्बाइन, तो देखो शाफ्ट पावर पे आ गया तो ये तो छोड़ दो, नहीं हो सकता। पावर डिलीवर टू रनर टू पावर सप्लाइड एट इनलेट, पावर डिलीवर टू रनर टू पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर। अब देखो ये दो एक जैसे लग रहे हैं ना, है ना, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। पावर डिलीवर टू रनर टू पावर सप्लाइड एट इनलेट, पावर डिलीवर टू रनर टू पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, ठीक है। एंड चौथा क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन टू पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, ठीक है। तो अच्छे ऑप्शन है इसमें कंफ्यूज करने वाले। तो यहां पर अगर आप देखो तो कौन सा आपको सही नजर आ रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, तो दैट इज कॉल्ड वाटर पावर, है ना, दैट इज कॉल्ड वाटर पावर। और पावर डिलीवर्ड टू रनर दैट इज कॉल्ड रनर पावर। तो यहां पे बी और सी बहुत क्लोज है बच्चों आंसर, ये तो पावर सप्लाइड एट इनलेट, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, सी 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 लग रहा है ना ज्यादा सही, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, इनलेट भी तो सही है, बट अगर बी और सी में से हमें छांटना है तो फिर ऐसा करें, पावर डिलीवर टू रनर तो सेम है, देखो रनर पावर,
लेकिन अब वाटर पावर को ज्यादा अच्छे से हम क्या बोले, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर टू पावर सप्लाइड एट द इनलेट, तो फिर गलत छाटना थोड़ा मुश्किल है, बट सही आंसर करना है तो फिर मेरे ख्याल से सही सी को सही करते हैं, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू दी रनर, वाटर ने रनर को कितनी पावर दी, दैट शुड बी वाटर पावर, तो सी को ही सही आंसर रखते हैं फिर, है ना। बट अब बी में गलती निकालना थोड़ा मुश्किल है, बस जो ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो सी को करेक्ट आंसर रख लेते हैं, ठीक है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी किसी को किसी आंसर की में मिलेगा तो जरूर बताइएगा, मतलब आपको एनकाउंटर में कुछ उल्टा मिलता है तो जरूर संपर्क करें। पावर बाय रनर पावर, बाय रनर पावर का तो सीन ही नहीं है ना, पावर बाय रनर पावर, वो तो पावर डिलीवर टू रनर तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज करना नहीं है हमने, नीचे ही वाले का तो चेंज है डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ढूंढने के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ हो सकता है, मुझे भी ये लग रहा है कि मैंने कहीं बी बताया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। चलो खैर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिसने बनाया कुछ अजीब बनाया, उसमें कुछ है नहीं ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस निकालने को। अब वही वाली बात है ना, बच्चा कहता है सर स्पेसिफिक आंसर दीजिए, कहाँ से, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने नहीं सोचा है इतना, और हमें सोचना पड़ रहा है उसमें एक एक घंटे, क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसे ही बना दिया, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगा रखा इसमें कि तुम सोचोगे फंसा दिया, हमें फंसा नहीं दिया, उसने ऑप्शन ही गलत बना दिए। ये तो तुम मतलब किसी बड़े प्रोफेसर को भी उठा के पूछ लोगे ना, वो भी कहेगा क्या है। चलिए मैं चेक भी कर लूंगा पीछे क्या है हमारे, क्योंकि बी सी दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं, बट सी को हम करेक्ट आंसर फिलहाल मान के चलते हैं, आगे चलते हैं बस। अब फ्रांसिस टर्बाइन इज, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगा जा करो ना यार, क्या सही रहेगा फिर। अब फ्रांसिस टर्बाइन इज, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत महान क्वेश्चन मत बनाओ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था भाई तगड़ा वाला, आपको आंसर बस कोई ना कोई करना है, आगे चलो। अब फ्रांसिस टर्बाइन इज इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ट फ्लो इम्पल्स टर्बाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन कैसा है बच्चों, वी नो दैट फ्रांसिस टर्बाइन एक इनवर्ड फ्लो है, क्योंकि बाहर से फ्लो जो है वो अंदर को आता है, तो आउटवर्ड टू इनवर्ड आता है, तो इनवर्ड फ्लो है, और क्या है एक रिएक्शन टर्बाइन है, तो सीधा है आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ इफ अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद अ फ्रांसिस टर्बाइन, इफ अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद अ फ्रांसिस टर्बाइन अबाउ द टेलरेस लेवल, ऑब्वियसली बात है द प्रेशर एट द रनर आउटलेट इज, तो ऑब्वियस ही बात है ड्राफ्ट ट्यूब में रनर आउटलेट में प्रेशर क्या होता है बच्चों, तो ये भी मेरे ख्याल से इतनी बार लिया है कि बच्चे बच्चे को पता होगा अड़ोस पड़ोस के, दैट इज कॉल्ड लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इज बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, प्रिंस सिंह ने कहा है सभी वीडियो को चुपचाप से लाइक कर लीजिए, ठीक है, तो प्रिंस सिंह की बात को सीरियसली लें। If alpha is the angle of blade tip at the outlet, then maximum hydraulic, तो maximum hydraulic efficiency का formula बच्चों सबको याद है, prove भी किया होगा, that is called 1 plus cos alpha by 2, 1 minus cos alpha by 2, 1 plus sin alpha by 2, और 1, तो जो u is equal to v by 2 वाली condition हम रखते हैं, उससे हम maximum hydraulic efficiency find out करते हैं बच्चों, and that hydraulic efficiency जो होती है वो किसके बराबर होती है, that will be 1 plus cos alpha by 2, 1 plus cos alpha by 2, that hydraulic efficiency will be equal to मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको 1 प्लस कॉन्स लिखा है यहां पे, कॉस कर देंगे उसे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थैंक यू सुमन कुमार मोदी जी, माय गॉड, द डिस्चार्ज थ्रू अ टर्बाइन इज, डिस्चार्ज जो है टर्बाइन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1 बाय 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1 बाय 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3 बाय 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3 बाय 2। अब यहाँ पे भी जो है वो बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, और ये पेपर में आया हुआ है ये कन्फ्यूजन,
तो क्यू इज इक्वल्स टू जो है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है बच्चों, और क्यू इज इक्वल्स टू जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, एरिया हमारा डायमेंशन का स्क्वायर रहता है, वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट एच रहता है, बट 2gh होता है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट एच, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/2। ठीक है, तो याद रखिए इट इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/2, तो ए रहेगा करेक्ट आंसर, ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अ डिवाइस विद विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एज द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर ड्रॉप इज नोन एज, वो डिवाइस विच इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एज द एक्सपेंस ऑफ, भाई वो कौन सा डिवाइस है जो प्रेशर को ड्रॉप करके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, प्रेशर को ड्रॉप करके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो बच्चे बच्चे को पता है, मतलब इतने छोटे से बच्चे को भी पता है कि नोजल जो प्रेशर का ड्रॉप करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, जो ठीक इसका उल्टा करता है वो कहलाता है डिफ्यूजर। तो दैट इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया बात, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इंपल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंसेस। बच्चों याद रखिएगा, ये जो मैं वैसे क्वेश्चन सारे ले लूंगा ऐसे वाले, लेकिन आपको ध्यान होगा एसएससी और एग्जाम्स में जो है ये इंपल्स टर्बाइन के जेट की डायमेंशंस को लेके बहुत क्वेश्चन है, खासकर टर्बाइन की ब्लेड ब्लेड के डायमेंशंस को लेके क्वेश्चन आए हैं पेपर में, इसकी विड्थ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, विड्थ टू डेप्थ रेशियो क्या है, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन में लेने की कोशिश तो करूंगा ही, पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कोई छोड़े ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली इंप्लीमेंट, मतलब डेटा बेस्ड ऑन टर्बाइन, जो डेटा टर्बाइन से मिलता है हमें बुक से, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पेपर में आए हैं पिछले एक साल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट इंप्लॉयड इन इंपल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंसेस, तो बताइए। अच्छा, आपके बगल में बच्चे ने भी बता दिया, देख लो मैं कह ही रहा हूँ कॉम्पिटिशन इतना टफ है। 4, 6, 8, 12, तो जल्दी बताएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितने आप इंप्लॉय कर सकते हैं जनरली, इन जनरली पूछा जा रहा है। तो दैट विल बी, दैट इज 6, बिल्कुल सही, 6 विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ पी इज द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन अंडर अ हेड ऑफ वाटर एच, देन यूनिट पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज, अगर एच यूनिट पावर, अभी फॉर्मूला हमने बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले कि क्या फॉर्मूला होता है, तो वहां से आप आंसर बता दीजिए तुरंत। That is, unit power is equals to PU is equals to P by H की power 3/2, simple। तो बस तभी तो definition होती है कि if head is equals to 1 meter, then unit power is equals to the power under unit head। तो that is PU is equal to P की power H की power 3/2। तो C will be the correct answer, C will be the correct answer। ठीक है जी, समझ गए, याद रखिए बच्चों इस संडे टेस्ट है प्रोडक्शन का, कास्टिंग वेल्डिंग और मशीनिंग मिक्स। ठीक है, इस संडे टेस्ट है प्रोडक्शन का, क्लियर, सबके लिए फ्री जो रहते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है जी, इंपल्स टर्बाइन इज जनरली फिटेड, इंपल्स टर्बाइन जनरली कहां फिट किया जाता है, कहां फिट किया जाता है, एट द लेवल ऑफ टेल रेस, टेल रेस के लेवल पे, लिटिल अबव द टेल रेस, स्लाइटली बिलो द टेल रेस, अबाउट 2.5 मीटर अबाउट द टेल रेस टू अवॉइड कैविटेशन। अब बताएं, तो देखो उसमें तो कैविटेशन का टेंशन है नहीं इतना। ठीक है, तो डी तो हटा दो, अब बात आती है टेल रेस लेवल पे, टेल रेस से थोड़ा सा ऊपर, टेल रेस से थोड़ा सा नीचे। तो अभी हमने स्टार्टिंग में इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, तो वहां हम जानते हैं कि वो क्या बोल रहा था, तो उसकी बात को ही दोहराते हुए हम बताएंगे, दैट विल बी द लिटिल अबव द टेल रेस लेवल से थोड़ा सा ऊपर। क्लियर है, तो दैट इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, बिल्कुल प्रतीक जी, अच्छा वो आपने बता दिया, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। द एंगल ऑफ टेपर ऑन ड्राफ्ट ट्यूब इज, टेपर एंगल ड्राफ्ट ट्यूब में क्या होता है, तो अभी हमने भी बताया था ग्रेटर देन 8 डिग्री या लेस देन 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री तो सबको याद होगा, अब सिर्फ इतना बताना है कि ग्रेटर देन 8 डिग्री या लेस देन 8 डिग्री, तो आपको क्या बताया था कि 8 डिग्री से कम, दैट इज लेसर देन 8 डिग्री। तो डी विल बी द
करेक्ट आंसर। सुरजीत मलिक जी, 9 बजे, 9 सुबह का प्रातः 9 बजे टेस्ट होगा। अच्छा, टॉप 30 के साथ जूम इंटरेक्शन, 30 तो ज्यादा हो जाएगा, 30 में तो किसी की नाम ही पूछा जाएगा आधे घंटे तक, 30 तो नहीं लेकिन टॉप 5, चलो ये ठीक है, ये बात भी तय रही। पर उसमें चिटिंग मत करना, ऐसा करेंगे जो इस बार प्रोडक्शन में, लो भाई एक जबरदस्त अनाउंसमेंट बच्चे के हिसाब से, प्रोडक्शन टेस्ट में संडे को 9 बजे, जो एग्जैक्टली 9 बजे देगा टेस्ट उसी के लिए है ये कंडीशन, ये नहीं कि शाम तक दे रहे हो, तो संडे को 9 बजे जो प्रोडक्शन का टेस्ट देगा, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर आफ्टर वन आवर जो भी फर्स्ट 3 टॉपर्स होंगे, टॉपर्स, फर्स्ट 3 टॉपर्स, उनके साथ हम लोग जूम इंटरेक्शन करेंगे। ओके, जूम इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है जी, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 ले लो, चलो 3 लेते हैं पहले, देखते हैं 3 बच्चे तो संभाल पाए हम लोग, ठीक है ना, 10 नहीं यार, पहले 3 की बात सुन लेना, 10 भी ज्यादा हो जाएंगे, चलो देखेंगे यार, मूड पे डिपेंड करता है कितना है, क्या पता सबके अच्छे मार्क्स आ, 10 भी ले लेंगे, तो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 10 ले लो चलो, पर वो 10 या 3 निकालूंगा, ये नहीं कि जो दूसरी दूसरी आईडियो से बराबर के टेस्ट दे रहे हैं, जो पहले जब मानो 40 मिनट का टेस्ट है, तो जो पहले 30-40 मिनट के अंदर बच्चा आ रहा होगा टॉपर 40 मिनट के अंदर, उसी का लिया जाएगा, ये नहीं कि फिर 10 बजे 11 बजे टेस्ट का रिजल्ट लूंगा, चाहे उसके बाद उससे भी ज्यादा नंबर वाले आ रहे हो, लेकिन जो पहले घंटे में आएंगे बस वही टॉपर कहलाएंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो 9 बजे देगा, ठीक है, उन्हीं को, उन्हीं टॉपर्स को हम लोग लेंगे, ठीक है, उन्हीं को हम लोग इवनिंग में उनके साथ लूडो खेलेंगे, ठीक है, तो डी विधि करेक्ट आंसर। हालात जानेंगे उनसे, चर्चा करेंगे उनसे कि कैसे देश के हालात सुधारे जाएं, कैसे मैकेनिकल के हालात सुधारे जाएं, ठीक है, ऐसी चर्चा करेंगे उनके साथ शाम को, जो हमारे पहले 3 या पहले 5 या पहले 10 टॉपर्स होंगे, ठीक है, फेमस हो जाएंगे रातों रात, वो नहीं जैसे हम तो भयंकर हो गए पहली, है ना, चलो क्या, लेस देन 8 डिग्री, तो यहां पे आंसर डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। अ प्लॉट बिटवीन पावर जनरेटेड इन मेगावाट एंड द टाइम, पावर और टाइम के बीच में जो प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, पावर और टाइम के बीच में कह रहा है, इन मेगावाट टाइम इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड लोड कर्व, बच्चों पहले बताया हमने, दैट इज कॉल्ड लोड कर्व, पावर और टाइम के बीच में जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड योर लोड कर्व, ठीक है। नहीं, टॉपर्स हम खोद के निकालेंगे, ऐसे नहीं है कि वो 5 मिनट में 90 मार्क्स लाने वाला टॉपर कहलाएगा, जो तमीज से पेपर को देगा, अच्छा पेपर देगा, गलतियां कम करेगा, एक्यूरेसी ज्यादा करेगा उसको, मतलब ऑब्वियस ही बात है मेरे पास सब कुछ पावर है उसमें ना, मैं अपने आप देखता हूँ कौन टॉपर है, पर होगा वो टॉपर ही, ऐसा नहीं है कि मैं अपने जानने वाले को बुला रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लोड कर्व, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग को छोटा करें, यहां पे हमें लिस्ट बन दी है बच्चों, कैपलन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट, पेल्टन व्हील विद 2 और मोर जेट, आपको स्पेसिफिक स्पीड मैच करनी है, बताइए 10 to 35, 35 to 60, 60 to 300, 300 to 1000। अब यहां पे आप आंसर आराम से कर सकते हैं बच्चों, कैपलन टर्बाइन जो है उसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होती है, है ना, तो दैट इज कॉल्ड योर 300 से 1000, ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा 4, ए बी सी डी, ए हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरा है हमारा कैपलन के बाद किसकी होती है, फ्रांसिस की होती है, तो 300 से 1000 कैपलन है, तो 60 से 300 हमारा फ्रांसिस हो गया, तो बी हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद 35 से 60 हो गया पैटर्न व्हील विद 2 और मोर जेट, है ना, दैट इज 2 आपका, सी क्या है, पैटर्न व्हील विद सिंगल जेट और पैटर्न व्हील विद मल्टी जेट, अच्छा ये बता दो, तो 10 से 35 35 60, आपको पता है दोनों पैटर्न व्हील है ना, 10 से 35 35 60 दोनों क्या है आपका पैटर्न व्हील है, तो उसके बाद आपका क्या कहलाएगा, दैट विल बी
सी हो जाएगा आपका पैल्टन विद भी सिंगल जेट मतलब 10 से 35 और पैल्टन विद भी मल्टी जेट मतलब 35 से 60। तो 4312 कैन बी द आंसर। अरे तुम करो यार, टेस्ट दो तुम बिंदास, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो कि कौन टॉपर लायक है कौन नहीं। 4312 विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ए दिया है हमारा करेक्ट आंसर, ए होगा नहीं, 4312 सही तो है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है ना, 4312 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ रहा बच्चों हमारा सेशन, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव सेशंस ऑफ टर्बाइन। अभी तो खैर सेशंस और भी बाकी हैं इसमें, फिर एक न्यूमेरिकल सेशन भी सेपरेटली होगा हाइड्रोलिक मशीन्स पे बेस्ड। ठीक है, और मैं सभी को बोलूंगा बार बार कि जितने भी पेड वाले बच्चे हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ करते रहें। ठीक है, वो ऐसा ना सोचें कि कोई स्पेशल सेशन, सेशंस वहाँ भी होंगे सारे, इससे ज़्यादा डिटेल में ऑब्जेक्टिव शीट आपको दी है जो भी यूट्यूब में कराई जा रही है, उससे ज़्यादा बड़ी आपकी ऑब्जेक्टिव शीट है जिसमें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बात है। लेकिन ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे जिससे एक रेगुलरिटी बन जाती है। फिर ऊपर से क्या ना, ज़्यादा बच्चे यहाँ आते हैं भाई पोर्टल में, तो लाइव में तो ज़्यादा नहीं आते, सब अपने अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लाइव में एक साथ ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन बना रहता है, मन भी अच्छा लगा रहता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस अपनी यहाँ रेगुलर रखें, बाकी अपने थ्योरी सेशंस को आराम से पढ़ते रहें। देखो सारे ऑप्शंस आपके लिए पोर्टल में खोल रखे हैं बच्चों, आपके लिए रिविजन सेशन भी है जहाँ आप 4 से 5 घंटे में सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास डिटेल लेक्चर भी हैं जहाँ 21 से 20 से लेकर 30 लेक्चर तक आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्टिव शीट दी हुई है, आपके साथ रिविजन शीट दी हुई है, अब इससे ज़्यादा और क्या देना है? मतलब पढ़ना ही रह गया, या तो वो मैं पढ़ लूँगा, है ना। तो मतलब ये बहाने करना अब कि यार सर वो नहीं है, नहीं तो मेरा तो यूं हो जाता, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैंने वही बोला ना कि जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं बच्चा आराम से उन सब रिसोर्सेज में पूरा कर लेता है और बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकता है। बस हमने ही सिलेक्शन को टफ बना दिया है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिशन ने और थोड़ा हमारे गलतियों ने। ठीक है, चलिए बच्चों, तो रोज इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।